नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डार्जिन इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी डबल ए जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR जिसे बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। ठीक है, तो इन दो भर्तियों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों और दोस्तों को दिक्कत हो रही थी कि इंडियन नेवी ने नोटिफिकेशन SSR का नहीं जारी किया है और ज्वाइनिंग भी बहुत लेट दे रहे हैं, और ये इसलिए नहीं हो पाया, ये COVID-19 की वजह से नहीं हो पाया है। ठीक है, पहले ये था कि एग्जाम वगैरह बाद में करा लिए जाएंगे, लेकिन एग्जाम ना कराने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। पहले ये सोचते थे इंडियन नेवी और हमारी गवर्नमेंट ये सोचती थी कि हमारी गवर्नमेंट तो चाहती थी कि हम परीक्षा जल्दी करा लें, इंडियन नेवी भी चाहती थी, बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अपना ये एयरमैन का XY का भी तो ऐसे हुआ था ना, तो ये नेवी का तो एग्जाम हो गया था, लेकिन नोटिफिकेशन सेकंड वाला आना था, ये जिसका अगस्त में पेपर होता है यानी इसका जून में एग्जाम जून में आता है नोटिफिकेशन, तो जून में आ जाता है, लेकिन कोविड उससे समय कोविड चला था, क्योंकि मार्च से लगभग 22 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो पहले ये सोचा जा रहा था, एक दो महीने ये सोचा गया कि हम इससे बच जाएंगे, जल्दी से इसे बाहर आ सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी जब बाद में पता चला, ये मानिए कि आपका सेप्टेम्बर अक्टूबर में ये आइडिया लगा कि ये इससे COVID-19 से आसानी से बचा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन नेवी ने कहा कि हम इसका PFT जो था, इसका अगस्त बैच था ना, अगस्त 2020, इसका फरवरी में एग्जाम होता, जनवरी फरवरी में एग्जाम होता ना, जो नवंबर में भरे गए थे फॉर्म, भरे गए थे ना 8 नवंबर से 18 नवंबर के बीच भरे गए थे, तो इसका एग्जाम कराया था जनवरी फरवरी में, और इसका अगस्त में इनको ट्रेनिंग पे भेजना था, इनका बैच स्टार्ट होना था ना जिनका पे, तो इनका काम भेज पाए कोविड की वजह से, तो अब यहाँ पे एक यहाँ पे भेजते अगस्त में भेजते, और एक ये जनवरी फरवरी 1 फरवरी 2021 पे, वो यानी सेकेंड जो बोलते हैं इसमें सेकेंड 2021 हर साल में होता है, जैसे इस बार हुआ था, ये जो सितंबर में आपका अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ था पहले यानी 2019 में, तो इसको ये आपका भेजा 2020 में यानी सेकेंड 2020 खातिर, एक साल 6 महीने लगभग पहले एग्जाम वगैरह करा लेते हैं। ठीक है, आपका क्योंकि PFT वगैरह कराना होता है, काफ़ी स्टेप होते हैं, तो इसमें टाइम लगता है, लगभग 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं ज़्यादा, और आपका जो वो एयरफोर्स का होता है XY वाला, उसमें लगभग कितना टाइम लगता है, ये मानिए आपका फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग तक लगभग आपका 8 से 9 महीने लग जाता है, सभी को पता है 8 महीने लगभग लग जाते हैं ना, और इसमें लगभग 6 महीने लगते हैं, लेकिन कोविड की वजह से इतने बढ़ गया था, तो दोस्तों इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जो आपकी क्वेरीज वगैरह हैं, आप लोगों को तकलीफ हो रही थी कि जैसे देखो एक बैच का एग्जाम अभी नहीं हो पाया, ज्वाइनिंग इसका सेकंड वाले का पहले वाले अगस्त में हो जाते, अगस्त वाले का ज्वाइनिंग अब दे रहे हैं, अब देंगे ना इसमें सेकंड वाले में देंगे, क्योंकि अगस्त यानी 8/2020 वाले का दे रहे हैं, फर्स्ट यानी सेकंड यानी फरवरी आपका 2021 वाले में दे रहे हैं, यानी आपका एक बैच तो गायब ही हो गया ना, ये वाला आपका ये वाला बैच तो भेजेंगे, देखो ट्रेनिंग पे तो भेजना पड़ेगा, बैच तो वहाँ पे खाली रहेगा नहीं, ठीक है, बच्चे तो होने चाहिए ना वहाँ पे, होने चाहिए ना, तो उसके लिए अच्छा भेजेंगे क्यों नहीं, एक इनको निकालनी पड़ेगी, ये वाला इसको कवर करना पड़ेगा, कैसे भी इनको स्टूडेंट लाने पड़ेंगे, कहाँ से लाएंगे, इनको लाना पड़ेगा, और सुनो अलग से ला नहीं सकते, एग्जाम इनको कराना पड़ेगा, क्योंकि लगभग ये आपका 2200 के आसपास होता है, 500 ये होता है, लगभग 2700-2800 बच्चे, 2700-2800 से 100 बच्चे इनको कहाँ से मिलेंगे, इसलिए इनको लाना पड़ेगा, और ये कोस्ट गार्ड का आपको शायद पता हो, आप में से कई लोग सीनियर होंगे और कुछ बच्चे जानते भी नहीं होंगे, यहाँ पे आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डोमेस्टिक और GD का जो होता है ना, इनिशियल ट्रेनिंग वही INS शिल्का में होता है, और उसके जो अभी आया DB GD और यांत्रिक का जो आई है ना वैकेंसी, इसका अभी इन्होंने एक नई वेबसाइट जारी किया CDAC के साथ, CDAC के साथ में आपका एयरमैन का जो एग्जाम कराती है CDAC कराता है ना, जो पुणे पे बेस्ड है, वही इसका भी कोस्ट गार्ड का कराएगा, तो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी बढ़ी नहीं है, इसका मतलब उतने ही उनका रेशियो वह रहेगा, तो मतलब इनको भी वहाँ पे भेजेंगे, तो आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। देखिए जो फरवरी में होता था, फरवरी में जरूर एग्जाम होगा, तो 25 फरवरी के आसपास पहले हुआ था, 19 में कराया था, 19 में फरवरी में हुआ था, और ये आपका जनवरी फरवरी में हुआ था, 2020 में जो एग्जाम हुआ है उनको नोटिफिकेशन आपका जरूर है, क्योंकि एक बार तो गायब हो रहा है, अच्छा इसे गायब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगस्त के लिए तो कम से कम होगा ना एग्जाम, अगस्त में जो नहीं भेजेंगे, लेकिन नेवी का दो बार आता है, यानी लगभग 3000 बच्चे चाहिए, 6000 साल में उनको 6000 बच्चे चाहिए, और ये साल में केवल 3000 बच्चे लिए, लगभग 3000 लिए ना, एक ही वैकेंसी तो पड़ी है, तो यानी इनके पास लगभग 3000 पोस्टों की अभी कमी है, 3000 पद और खाली हैं, इनको भरना है, भरेंगे कैसे, नोटिफिकेशन जरूर आएगा, ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को ये हो सकता है जैसे एक भर्ती नहीं आई, इसमें क्या एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, हाँ इसमें मिल सकता है, क्योंकि ये आपका था जनवरी अगस्त, पिछले वाले में क्या था जनवरी 2001 था, ठीक है, जनवरी 2001 नहीं, पिछली वाली भर्ती ये जो अगस्त 2020 वाली थी, जिसमें अगस्त में ज्वाइनिंग देना था ना, इस वाले में आपका DOB कितनी थी, ये आपका मैक्सिमम कितना था, यानी ये आपका था अगस्त 1 अगस्त 2
सन 2000 थी, 1 अगस्त सन 2000 थी और ये मैक्सिमम थी, यानी 20 साल आपको इतना याद रखना माइंड पे अपने बना के रखिए, 20 साल ज्वाइनिंग वाले दिन जब आपकी चिल्का पे ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपकी एज होनी चाहिए 20 वर्ष होनी चाहिए। इससे अगर एक्सीड करती है आपकी तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं देंगे, लेकिन इस बार दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहा था, तो मतलब गलती तो उनकी भी नहीं है, गलती इंडियन नेवी की भी नहीं है, लेकिन जैसे एयरफोर्स ने रिलैक्सेशन दिया ना 6 महीने का दिया, तो ये फर्स्ट वाले जिसने क्या आपका जनवरी में भेज रहे थे, 2 जनवरी पे ट्रेनिंग भेज रहे थे ना, 2 जनवरी 2020 पे, ये जो मार्च में एग्जाम होने थे जिसका नवंबर में कराया, तो इसको 6 महीना आगे कर दिया, यानी इसको जुलाई में आपका ज्वाइनिंग करा रहे हैं ना, एयरफोर्स करा रही है ना, तो वैसे ये भी कराएंगे, कराना पड़ेगा और कराना चाहिए जरूर, क्योंकि 3000 बच्चे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3000 बच्चे लाएंगे कहाँ से, और बाहर से जो कोस्ट गार्ड की भी ट्रेनिंग यही कराते हैं, तो कोस्ट गार्ड में तो पोस्ट बढ़ी नहीं, तो इस पर खाली थोड़ी जाएगा कि केवल कोस्ट गार्ड वालों को ट्रेनिंग करा देंगे, इसलिए आप याद रखिए और तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे भटकने से कोई फायदा नहीं, और एग्जाम आपका फरवरी में होगा, यानी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग ये आपका 8-10 दिन बचा है इस महीने में, कितना आज 28 तारीख है ना, 28 दिसंबर है, 28 लगभग 7 दिन, आज 7 दिन लगभग बचे, 7 दिन ये बचे, और फरवरी ज़्यादा 25 फरवरी कराएगा, लास्ट में कराएगा ना, और सेकंड वाले में भेजना है ना, अगस्त वाले में एक बैच खा गए, लेकिन इसमें आपको एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आपकी DOB क्या होगी, ये आपका अगस्त था ना, तो आपकी जनवरी यानी 1 जनवरी 2001 होगी, ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलता है तो 1 जनवरी 2001 होगी, और अगर नहीं मिलता, यहाँ से हमने 6 महीने जोड़ा है, ठीक है, एक बैच नहीं मिला तो हम केवल 6 महीना बढ़ा रहे हैं, और एक बैच गायब हो गया तो इस पे आपका यानी 1 साल पूरा हो गया, तो जो 2001 थी अगस्त वाली थी ना, 1 अगस्त 2000 थी, तो आपका 1 अगस्त 2001 ये हो सकती है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज कितनी है, 1 जनवरी 2001 है, तो आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको एक मौका मिल सकता है, और अगर आपकी 1 अगस्त 2001 है तो आप जरूर से जरूर लग जाइए, उनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत तेजी से तैयारी रखिए, क्योंकि इस बार मेरिट पिछली बार कितनी गई थी, और एयरफोर्स की कितनी मेरिट गई कुछ याद है, इतना 35, 36, 38 से ज़्यादा गई है कभी, इसकी भी बढ़ेगी, जबकि अभी कुछ साल से बढ़ भी रही है, इस बार देखो कितनी गई है, 58, 58, 48, 53, 55 इतना जा रहा है ना, इतना हाई जा रही, तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है, और दोस्तों एज लिमिट में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया उसे आप याद रखिए, और दोस्तों जय हिंद।